माननीय मुख्यमंत्री जी से आज प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग मिले थे। 108 राज्य में ठप पड़ी हुई है, 20% भी जो पुराने कर्मचारी हैं उनको समाहित नहीं किया गया, पुराने वेतन भत्तों पर काम करने के लिए राजी नहीं है, जो पुरानी हमारी नई एजेंसी है वो आधा वेतन देना चाहती है, 717 परिवारों का सवाल है। सरकार ने पहले ही गलती कर दी, निविदा स्वीकार होनी ही नहीं चाहिए थी, निविदा में सरकार की ओर से शर्त होनी चाहिए थी कि जो 11-11 साल से काम कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा, ये शर्त होनी चाहिए थी कि वेतन भत्ते जो उनके पुराने हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं होगी, और उसके बाद तय करना चाहिए था कि निविदा कहाँ पर लास्ट आएगी। निविदा आपने डाउन में दे दी, डाउन में देने के कारण आज आधा वेतन वो कर्मचारियों को ऑफर कर रहे हैं, कैसे कर्मचारी काम करेगा? जो 18,000 रुपये में काम कर रहा था वो 9,000 रुपये में कैसे काम करेगा? तो पूरे प्रदेश के अंदर सबसे आपातकालीन सेवा 108 बंद है। मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि इसको चालू करवाइए। 717 परिवार, वो पूरे उत्तराखंड के मूल के लोग हैं, यहाँ के पहाड़ के हमारे नौजवान हैं, उनके चेहरों की बेचैनी देखिए, 18 दिन से वो हड़ताल में है, 18 दिन से इस राज्य में पूरे प्रदेश में 108 सेवा ठप पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने परीक्षण करने का आश्वासन दिया है और 2 महीने का जो उनका वेतन है वो जल्दी से जल्दी रिलीज हो, इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया। दूसरी बात, बसाण गाँव में जो एक दलित वर्ग के नौजवान के साथ घटना हुई और बाद में उसकी मौत हो गई, उसके बारे में हमने मांग करी है कि मुआवजा उसके परिवार को ठीक मिले और जो उनके परिवार की जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको सरकारी सेवा मिले। तीसरा, बैरागी वाला में एक मकान फूका था, उसमें करीब 80-90 लाख रुपए का उसका नुकसान हुआ, वो बर्बाद हो गया व्यक्ति, उसके मुआवजे के लिए अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री जी से